कहने को भोपाल प्रदेश का दिल है, साथ ही राजधानी भी है, लेकिन यहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ असुविधाओं के चलते क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। खासतौर पर बारिश के समय में यहाँ जल भराव की समस्या अहम है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की सक्रिया पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। भोपाल के नरेला विधानसभा में अनेकों समस्याएं सामान्य है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। वार्ड 77 में बारिश के पानी की निकासी और नालों के अधूरे निर्माण से जनता गुस्से में है। शहर के दूसरे क्षेत्रों की सड़कों की तरह यहां की सड़कें भी बदहाल हो रही है। क्षेत्रवासियों ने पार्षद से लेकर विधायक तक सभी को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं आलम यह है कि कई जगह बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से वही गंदा पानी लोगों के घरों में भी घुस जाता है। और सर यहाँ 8-9 महीने से इतना पानी भर रहा है कि घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है, घर के अंदर भी पानी आ जाता है और इतनी परेशानी हो रही है कि पैर से निकलना जाना आना मुश्किल है पैदल वालों का। तो ना कोई जा सक रहा है, गिर पड़े 2-3 बार, बड़ी बहन भी गिर पड़ी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने CM हाउस में भी कर ली कंप्लेन, सारंग सरकियाँ भी कर ली, पार्षद भी कर ली, नगर निगम भी, पर कोई पार्षद जी कहते हैं सर हमें ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे, हम कोई निकासी की नाली बनाए या कुछ करें। वार्ड 77 है सर ये पन्ना नगर जी, पार्षद यहाँ के दानिश हैं, दानिश शब्बीर खान जी हाँ। और सारंग सर से भी कहा तो सारंग सर भी नहीं सुन रहे हैं, सब जगह हम होके आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि पिछले साल भी बारिश में यही स्थिति बन रही थी। पिछली बार भी रहवासियों ने जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया था, लेकिन ना तब किसी ने उनकी समस्या सुनी और ना ही इस बार भी कोई इस ओर ध्यान दे रहा है। नाली 9 महीने हो गए, निकास नहीं है नाली का, नाली बननी चाहिए यहाँ पर। घर के सामने भरी हुई है नाली की, ये कांटे निकल रहे, बहुत नाली बन जाए यहाँ पर, बहुत परेशानी हो रही है जी। पार्षद से भी कही, कोई सुनवाई नहीं है, भिजवा साहब से ही बोला, कुछ वो नहीं है सुनवाई। बहुत समस्या में पानी भर जाता गेट के सामने, किए काटे निकलना है, बहुत परेशानी हो रही है। 9 महीने होगा, 1 साल होने वाला अब तो। सर यहाँ पर पानी 8-9 महीने से ज्यादा ही भर रहा है और जिसकी वजह से फिसल फिसल के गिर रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं, ये बड़े बड़े सांप अंदर घुस रहे हैं घर के अंदर, बहुत परेशानी है, घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। और जब पार्षद से कहो, उनसे कहो, कह रहे हैं कोई हमारे पास आर्डर ही नहीं आ रहे हैं कि जो हम काम करें, बहुत ही ज्यादा परेशान है सर, ना तो नालियां हैं ना यहाँ पर, ना तो चेंबर बना रहे हैं। पानी की निकासी नहीं होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो गया है। इस गंदे पानी में आते जाते लोग गिर रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी जब समस्या का हल ना होने से अब लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। सर ये पानी बहुत भरा हुआ है, पानी के कारण घरों में कीड़े आ रहे हैं, हमारे इधर तो कम से कम 4-5 बार निकल चुके, एक बार तो बहुत बड़ा निकला था और 5-6 बार तो छोटे छोटे आ चुके हैं उनके बच्चे, और बच्चे दहशत हो गए, उनको डर गए, इतने डरे हुए हैं घर से बाहर नहीं निकल रहे, स्कूल नहीं जा रही लड़की है। स्कूल करी ना अब CM हाउस में फोन लगवाया, हमारे लड़के ने लगाया, हमने तो खुद नहीं लगाया, हमारे लड़का लड़की दोनों लगा रहे हैं परेशानी की वजह से, अभी कोई रावण नहीं हुआ, कुछ नहीं कर रहा। दानिश भाई को भी फोन लगाया, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, वो कह रहा है टेंडर पास नहीं हुआ, हमारे पास कुछ है, वो नहीं है यहाँ करने का। चल हम ये चाहते हैं कि यहाँ की नाली बन जाए, बस सड़क नहीं बना रहा ना सही, पर ना निकास तो करवा देंगे, पानी निकल जाए। गौरतलब है कि भोपाल प्रदेश की राजधानी है, सभी नेता नगरी का यहाँ जमावड़ा रहता है, बावजूद इसके यहाँ इस तरह की समस्या का समाधान नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। बारिश का दौर तो अभी और बाकी है, ऐसे में क्या पिछली साल की तरह इस बार भी वार्ड 77 के लोगों को इसी तरह बुरी बारिश में जल भराव की समस्या के साथ निकालनी होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। भोपाल से हेमंत यादव के साथ आबिद मुमताज की खास रिपोर्ट।